काल प्रकरण दो अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। मतलब जब से प्राकृतिक प्राकृत भाषा पूरी तरह से साहित्यिक भाषा के रूप में विराजमान हो गई थी उसके बाद जो लोक भाषा थी वो अपभ्रंश थी। और जब बिल्कुल अपभ्रंश ने लोक भाषा का पद बिल्कुल त्याग दिया, जब बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयुक्त होना एकदम बंद हो गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझा जाना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये मैं पहले भी ये पंक्ति पहले वीडियो में भी आ चुकी है कि जिस तरह से पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का पता चलता था वैसे ही बाद में जब दोहा या दुहा कहा जाता था उससे पता चलता था कि ये अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा से संबंधित है। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति श्रृंगार वीर रस आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रसार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। मतलब इस भाषा में नीति श्रृंगार वीर आदि की कविताएं तो लिखी ही जाती थी, साथ में जैन और बौद्ध धर्माचार्य भी इसमें अपने मतों के प्रचार, क्यों? क्योंकि ये लोक भाषा थी। और ज़्यादातर क्या होता है, जब किसी को अपने मतों का प्रचार करना होता है तो जनसाधारण की भाषा में ही प्रचार किया जाता है। तो जैन और बौद्ध धर्माचार्यों ने भी इसे अपनी उपदेश भाषा के रूप में चुना था। प्राकृत से बिगड़कर जो बोलचाल की भाषा प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। मतलब प्राकृत से जो सरलीकृत रूप हुआ या बिगड़ा हुआ रूप हुआ जिसे आम लोग बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयुक्त करने लगे थे वो भी कुछ जब पुराना हो गया तो वो भी काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया और भाषा अपने प्रवाह के अनुसार सरलीकरण की तरफ बढ़ती रही। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ी हुई, तो क्योंकि प्राकृत से बिगड़ कर ये भाषा लोक भाषा बनी थी तो अपभ्रंश का नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। मतलब जब तक वह जनभाषा थी, लोगों के व्यवहार की भाषा थी, आम बोलचाल के भाषा थी तब तक उसे देश भाषा कहा गया। देश भाषा का अभी पिछले वीडियो में मैं आया था विद्यापति का देसिल बैना सबजन मिठा, तो उसी की बात हो रही है कि जब तक ये बोलचाल की भाषा थी तब तक देश भाषा कहलाती रही और जैसे ही इस भाषा ने साहित्यिक रूप धारण किया तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरी शताब्दी भरत मुनि का देख लीजिएगा समय, विक्रम तीसरी शताब्दी। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। बाद में जब साहित्यिक भाषा पे ये विराजमान हो गई, साहित्यिक भाषा बन गई तब इसे अपभ्रंश कहा जाने लगा, परंतु भरत मुनि ने इसे अपभ्रंश नाम नहीं दिया, इसे देश भाषा ही कहा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। मतलब इस अपभ्रंश शब्द का प्रयोग ना वररुचि ने किया है और ना ही भरत मुनि ने किया है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा थारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये उसी भाषा का ना उसी भाषा की बात हो रही है, उसी देश भाषा की बात हो रही है जिसको साहित्यिक जब भाषा बन गई तो अपभ्रंश कहा जाने लगा, लेकिन भरत मुनि और वररुचि ने इसे अपभ्रंश नहीं कहा है, इसे देश भाषा ही माना है। और अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अपभ्रंश का नाम अपभ्रंश का पहले पहल प्रयोग जो मिलता है वो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन जो विक्रम 650 के पहले थे को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक है।
जो शिलालेख में महत्वपूर्ण बात का उल्लेख हुआ है वो उसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा है, और यहीं पर सबसे पहले अपभ्रंश प्रयोग का शब्द का प्रयोग हुआ था। इसके पहले इस अपभ्रंश को देसी भाषा के नाम से ही जाना जाता था। भामा विक्रम सातवीं सती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, बाण ने हरिश्चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है, संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों की भी उल्लेख किया है। तो ये भाषा कवि कौन है? ये इन्हीं भाषाओं के कवि हैं, प्राकृत और अपभ्रंश के, क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हैं कि संस्कृत से सरलीकृत होकर प्राकृत बनी थी और प्राकृत का सरलीकृत रूप अपभ्रंश था। ठीक है, इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास का मतलब है जिसमें प्राकृत का आभास हो, अपभ्रंश मतलब प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी उनके सिद्धों की कृतियों के बीच में सबसे पहले ये नमूने प्राप्त होते हैं। संवत 990 में देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार हुए। संवत 990, ध्यान रखिएगा, उन्होंने भी श्रावकाचार्य नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। श्रावकाचार्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समय इसका है 990 और किसने लिखा था? देवसेन ने, और ये पंक्ति भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति अपभ्रंश के प्रचलित रूप में लिखी गई है। जो जन शासन भाषियु सो मई कहियु सारु, जो पालई सो सई भय भाऊ, करिसो सरी पावण पारु। इन्हीं देवसेन ने दब सहाब पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसके पीछे माइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया था। याद रखिएगा, दब साहब जो देवसेन ने लिखी थी उसका माइल धवल ने गाथा या प्राकृत में रूपांतरण किया था, पूछा जा सकता है। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार, जैसा चरेउ, णय कुमार चरेउ इत्यादि। देखने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत जो संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है, उसी काल के आसपास जसहर चरेउ यानी यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। ठीक है, बिणु धावलेण सयणु किं हल्लई, बिणु जीवेण देहु किं चिल्लई, बिणु जीवेण मोख को पावई, तुम्हारिसु किं अप्पई आवई। ठीक है, ये किसकी? जैसा चरियु की कुछ चौपाइयां पंक्तियां दी गई हैं। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफी की प्रेम कहानियों में, तुलसी की रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों काव्यों में पाते हैं। दोहे चौपाई की परंपरा, तो देखा आपने दोहे चौपाई की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में
देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति से संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धि और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जा 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। कब तक बना रहा? मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक भी बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए, बहुत से भोटादी अन्य देशों में चले गए। ये देखिए 84 सिद्धों के नाम हैं, लोईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरिपा। इन सब के नाम आपको जानने जरूरी नहीं है, जो पहले हैं या जो कुछ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनके नाम आप स्मरण में रखिएगा। इतने सारे नाम आपको जरूरत बहुत कम ही पूछे जाते हैं। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापार कालानुक्रम से नहीं है, इसमें से कई एक समसामयिक भी थे। मतलब जो सूची रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है वो ये कह रहे हैं कि ये कालानुक्रम के हिसाब से नहीं है, इसमें कई एक जो साथ में थे समसामयिक भी थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले माननीय हरे प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गानों दुहा नाम से निकाला था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बौद्ध गान और दुहा नामक जो रचनाओं का संग्रह वो हर प्रसाद शास्त्री जी ने निकाला था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांस्कृत्यायन ने भोट देश जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराना सरह, जिनको सरोज वज्र भी जिनका नाम है जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है, उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतस्थाधना पर जोर और पंडितों को फटकार। ये देखिए, पंडी सअल सत बखाणी देह ही रुद्ध बसंत न जाणी, अमड़ा गमण न तेन विखंडई तो विडिलज भणई हम पंडे। ये देखिए, इस लाइन को जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में स्मरण हो जाएगा। सरोज ब्रज की ये, जिन्हें सरापाद भी कहा जाता था, उनकी है ये पंक्तियां और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इसमें इन्होंने पंडितों को फटकार लगाई है। या उनकी पंक्तियों के कुछ और नमूने दिए गए हैं। जहि मन पवन न संचयी रवि शशि नाहि प्रवेश, तहि बड़ चित्त विषाम करु सरहे कही उवेश, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोय करे परम महाशुभ एणु कणे दुरी अशेष हरे, जीवंता जो नेउ जरहि सो अचरामर होई, गुरु उप असे विमलमयी सो पर धरना कोए। तो ये इनकी पंक्तियां हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर देखिए इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का भी उपदेश दिया था। नाद ना बिंदु ना रवि ना शशिमंडल चिय राय साहेबे मुकल अजुरो अजु छाणी मा लेहू रे बंक नियही बोरी मा जाहू रे लंक। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको ये रखना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों से ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सरापाद की पंक्तियां हैं। इसके बाद देखिए ये लुईपा का नाम आता है, लुहिपा या लुईपा, संवत इनका 1830 है, 1830 के आसपास के गीतों के कुछ उदाहरण। काका तरुवर पंच विड़ाल चंचल चिये पाइडो पाइठो काल दिट करिए महासुह परिणाम लुई भणै गुरु पुंजय जान। और भाव न होई अभाव न जाई आई संबोहे को पतियाई लुई भणै बट दुखड़ बिड़ार त्यों ढाई बिल सई उह लागेण। भाई ये पढ़ने में थोड़ा सा मुझे भी हिचकिचाहट है, यदि कहीं थोड़ा बहुत गलत निकल जाएगा तो उसको देख लीजिएगा। ये विरूपा संवत 1900 के लगभग हैं, जिन्होंने वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति लिखी है, वो देखिए। विरूपा की पंक्तियां ये सहजे थिर कर वारुणी साधा अजरामर खोई दिट कांधा दशम द्वारत चिद दिखाई अयल गराहक अपने बहिया चौसठ घड़ई देठ पसारा पैठल गराहक नाही निसारा। ये विरूपा की पंक्तियां थी। कंडपा, कंडपा का टाइम 900 के उपरांत, संवत 900 के उपरांत है, की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। एक कण के जय मंत्र न तंत धरणी कई लई केली करंत निय घर घरणी जाब न मज्जय ताब की पंच पर्ण बिहर जय जिम लोण बिलज्जय पाणिय तिम धारण ले चित्त समरस लड़ तक खड़े जय पुण में सब नित। तो वज्रयानियों ने की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषता डोमिनी रज की आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिंध कंडपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तोहर कुणिया छह छोड़ जाही सो बाहम नाड़िया। आलो डोम्बी तोई सम करीब नवसांग निघण कान कपाली जोई लाग एक एक सुपद्मा चौसठ पखुड़ी तेही चढ़ नाचई डोम्बी बापुड़ी हालो डोम्बी तो पूछा मी सद्भावे ऐससी जासी डोम्बी का हरि नावे। गंगा जमुना माझे रे बही बही नाई ताही बुढ़िल मातंगी पोया लीले पार को करेई बहतु डोम्बी बहालो डोम्बी बाट तभैल उछारा सदगुरु पाई पाए जायब पुण जिण उरा जिण उरा। बहुत सारी पंक्तियां दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा बोरियत हो रही होगी आपको। का नावणी खट्टी मन करियाल सदगुरु बौड़े धर पतवाल चिय थिर करी गम रे नाई अन्न उपाय पाड़ न जाई। कापालिक योगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थीं, पर वे आकर्षित होती थीं
जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। राग देश मोहि आये छार, परम भीख लावण्य मुत्तिहार, मरिय सासु नंदन धरिसाली, माए मारिया कंड भैल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नाड़ी सत्य दिए धारे खदे, अनह डमरु बाजई बीर नादे, कांड कपाली जोगी पैठ अचारे, देह नारी बिहरही एकारे। इसी ढंग का कुकुरिप्पा जो संवत 1900 के उपरांत है, एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बवणी जा गई, कानेट चोर निकला गई मा गई, दिवसई बहुड़ी काढ़े उरे भाए, राति भैल कामर जाए। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेलियों के रूप में भी रखते थे जिसको कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। ये जब रामचंद्र शुक्ल जी को अटपटी लग रही है तो हम लोगों के लिए तो इतना एतीना सांझे, जो सो बुझई सो धानी बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, निते निते सियाला सिय सम जूसे जूझे, ढेर परायर गेत बिरले बूझे। बौद्ध धर्म में ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 अध्यायी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधित्सवों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा प्राप्त मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख का परिणाम का अंदाज कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया था। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली आ रही थी। उसकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य और गुह की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, मतलब बिहार बंगाल और उड़ीसा में, धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बीच में जहाँ पंक्तियाँ थी बोरियत वाला हो गया होगा। रहस्यवादियों की सर्वभूमि प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे ता तरुवर पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने वाली बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदी शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना मांझे बही रे नाई, इला पिंगला के बीच सुसुप्ना नाड़ी के मध्य से शून्य की देश की ओर की यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा
सधिया भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से इसका पता लग जाता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सराह के इस वचन खट में ही बुद्ध है, ये नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूं, मैं स्पष्ट झलकता है। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार जनता में संस्कार इधर उधर बिखेरे गए। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों से हटाकर अंतर्मुखी साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सराह के इस वचन घट में ही बुद्ध है, ये नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जिता प्रभु सर्वगाह सर्वव्यापी चा कत्तर श्रीमान वज्र सत्वोऽसौ व्यक्त भावा प्रकाश कहा ए व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि। दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत। इस प्रकार जहां रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने वाला दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा और वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कंठप्पा कहते हैं कि जब जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंच वर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुहो यानी महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कंडपा का यह वचन कि जिम लोण बिजई पाणी ऐ तिम धरणे लण चित्ती इस सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहे और रहस्य के प्रवेश से वे किस प्रकार विकृत और पाखंडर पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा को भी गिना जाता है, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नागपंथियों में किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर छठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी के पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। अगर मैं अब चलूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज का पार्ट यहीं खत्म कर रही हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बोरियत भरा हो गया होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी तरफ मन लगाना पड़ेगा। आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से अपभ्रंश और का विकास हुआ,
उसके बाद हमने बौद्ध साहित्य के बारे में जाना और किस तरह से बौद्ध की वज्रयान शाखा से नाथ संप्रदाय की जो शुरुआत हुई है ये सब हमने देखा था। आज के वीडियो में जो भी पंक्तियाँ आई थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी, सारी पंक्तियाँ आप याद कर लीजिएगा और उनकी जो भाषा है जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे उन शब्दों से ही आप इन पंक्तियों को आसानी से किसकी हैं ये पहचान लेंगे। चलिए आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक जीके की भी आज से मैं आपको जीके का एक रोज करंट अफेयर्स की एक फैक्ट बताती चलूंगी, आपको कैसा लगेगा ये आप मुझे बताइएगा। तो इसी क्रम में चलते हैं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज 24 अप्रैल है, आज पंचायती राज दिवस है। सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सरपंचों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पंचायत जिले और राज्य निर्भर बने, आत्मनिर्भर बने ताकि अपनी जरूरतों के लिए किसी कभी बाहरियों का मुंह देखना ना पड़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी ने ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च किया, इससे पंचायत के विकास कार्यों, फंड और कामकाज की जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने एक मंत्र भी दिया, दो गज दूरी का भी एक मंत्र दिया जो कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने सभी को दिया है। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा बोरिंग हुआ होगा, जो भी जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और ये जीके फैक्ट वाला जो सेक्शन था वो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।